सभी गेमर्स का हार्दिक स्वागत है इंडियन सोल्जर वन चैनल पे। गाइस, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग गेमिंग करते हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो PS4 हो, चाहे वो एक्सबॉक्स वन हो, आपको पता है इस चैनल का एक नया फीचर आया, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपकी जो फेवरेट गेम है इन प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल हुई वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ PlayStation 5 से रिलेटेड। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि PlayStation 5 की जो कॉस्ट पड़ रही है सोनी को मैन्युफैक्चर करने की इन फैक्ट्री, वो पड़ रही है $450। अब आप कहोगे भाई ये तो मस्त काम हो गया भाई, PlayStation 5 $450 की मैन्युफैक्चर हो रही है इन फैक्ट्री, तो $50 ऊपर मान लो, $500 का बेच तो बढ़िया, एकदम प्रॉफिट भी हो रहा है और कॉस्ट भी कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला ब्लूमबर्ग ने कि हो सकता है रिटेल प्राइस जो फाइनल हो PlayStation 5 का वो होगा $500। और अगर आप PlayStation 4 के प्राइस से कंपेयर करो तो PlayStation 4 लॉन्च हुआ था एट $399 और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी इन फैक्ट्री वो थी $371, तो ऑलमोस्ट $30 का डिफरेंस था मैन्युफैक्चर होके आप तक पहुंचने में, यानी कि एंड यूजर तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप $399 को कन्वर्ट करो इंडियन रुपीज में, जो उस समय PlayStation 4 का प्राइस था, तो वो बैठता है अराउंड 24-25 हज़ार पे। तो 24,000 का तो आपको नहीं मिला था, आपको मिल रहा था 46,900 का इंडिया में विद बिल, 2013 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय डॉलर का रेट था 60 रुपीज़ के आसपास, अब है 72 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप $500 को कन्वर्ट भी कर लो 70 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो बैठते हैं 34,000 रुपीज़। क्या आपको 34,000 रुपीज़ का मिलेगा? क्योंकि उस समय जब 24,000 का PS4 था वो डबल प्राइस पे 46,000-47,000 पे आपको मिल रहा था इंडिया में एट लॉन्च। तो क्या 36,000 को अगर आप कन्वर्ट कर लो, 34,000-36,000 को अगर आप कन्वर्ट कर लो, डबल कर लो, तो क्या 70,000-72,000 रुपये का 70,000-72,000 का मिलेगा? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, हो सकता है प्राइस कम हो, 60,000-65,000 के आसपास हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हॉल्ट नाउ जो अभी हो रखी है, अगर कंसोल मैन्युफैक्चर करने की कमी नहीं आई सोनी को तो हो सकता है प्राइस काफ़ी कम रहे। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग ने एक और चीज़ कंफर्म करी है कि सोनी इज अप्रोचिंग विद वेट एंड सी अपॉर्चुनिटी, यानी कि सोनी अभी देख रहा है अपने कॉम्पिटिशन को, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को, कि वो कितने में अपना कॉन्सोल जो है वो लॉन्च करते हैं, उसी के बाद वो डिसाइड करेंगे फाइनल प्राइस जो रिवील करेंगे वो पब्लिक में। लेकिन $450 गाइस, $450 टू मैन्युफैक्चर अ PS5, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है कि फाइनल प्राइस क्या होने वाला है। लेकिन अगर $500 तक सोनी इसको लॉन्च कर देता है तो इंडिया में 60-70 के बीच में प्राइस रह सकता है, बट स्टिल माय होप्स आर वेरी लो। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ एक सेंस ऑफ रिलीफ भी देगी उन लोगों को जो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स के, जैसे कि मैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मुझे बताओ कि $450 के प्राइस पॉइंट के बारे में आपका क्या कहना है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जैसा कि स्टार्टिंग में बोला। मिलते हैं ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।